नमस्कार। ये एक मैंने सोचा कि वीडियो बना दूं खासकर कनाडा एक्सपीरियंस के लिए, और स्टडी अब्रॉड के वैसे मैंने पहले काफी वीडियोस बनाए हैं, बट ना मुझे दुख होता है कि मेरे पास क्वेरीज आती हैं, केसेस आते हैं, जी फलाना जगह से लगाया था और वीजा रिजेक्ट हो गया। और ना अक्सर ना स्टूडेंट कंसल्टेंट को ब्लेम करता है और मैं कभी नहीं करता। मतलब ठीक है, कुछ कंसल्टेंट ऊपर, हाँ ये जरूर है कंसल्टेंट ने राइट गाइडेंस नहीं दी। अब वो राइट गाइडेंस क्या है वो मैं बता देता हूँ ताकि बच्चों को खुद पता हो। देखिए, वीजा रिजेक्शन लेना मोटा मोटी पांच ही कारण है। सबसे बड़ा मैं ये कहूंगा कि पहली बात आप इस बात को समझिए, मैं जितने भी हमारे ऑफिसर्स में आते हैं सबको मैं ट्रेनिंग देके रखता हूँ। इंडियंस तो कनाडा जैसी कंट्री में जा रहे हैं सेटल होने 95%, लेकिन जो कनाडा है वो तो आपको बुला रहा है स्टूडेंट की तरह, है ना। वो तो चाहते हैं कि आप आइए, पढ़िए, वापस जाइए। तो सबसे पहला कि क्या आपकी पूरी प्रोफाइल में साबित हो रहा है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे घर से हैं, और आप कनाडा इसलिए पढ़ने जा रहे हैं कि आपको इंडिया में वो कोर्स नहीं मिल रहा। सबसे पहले तो आपको ये जस्टिफाई करना है, और इसी स्टेटमेंट में ना बहुत कुछ जस्टिफाई हो जाता है। तो अच्छे स्टूडेंट का मतलब आपकी बैकलॉग कम थे या ना नहीं थे, आपकी परसेंटेज 60% के ऊपर थी। स्टूडेंट के तो यही हो गया ना, आयल्स आपका अच्छा है, 6 इन ईच बैंड मिनिमम, 6.5 ओवरऑल। तो आपकी प्रीवियस एजुकेशन, उसके मार्क्स और आयल्स, और जो आप कोर्स करने वाले हो उसके साथ कनेक्शन। अगर आपकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है तो वर्क एक्सपीरियंस गैप को फुलफिल करने के लिए, ये आपको बनाता है अच्छा बच्चा। दूसरा आता है अच्छा घर। अच्छा घर मतलब आपके पेरेंट्स जो आपकी फीस भर रहे हैं उनका ITR, उनकी बैंक स्टेटमेंट्स सब अच्छी हो। ये तीन चीजें हमारे कंट्रोल में है तो हमारा वीजा अक्सर रिजेक्ट नहीं होता, फिर भी हो जाता है कभी कभार। अब क्यों? नंबर टू, वही जो मैं हैरानी होती हूँ होता हूँ सॉरी, बच्चा ऑलरेडी ग्रेजुएट है भाई, 2 साल के कोर्स के चक्कर में उसने कोर्स चुन लिया। मेरे पास ये रिसेंट केस आया था, और जो कोर्स था ना उसकी एलिजिबिलिटी थी क्लास 12, क्योंकि वो डिप्लोमा था। अब डिप्लोमा इज जेनरिक वर्ड, डिप्लोमा ग्रेजुएट के बाद भी होता है। तो आप वो कोर्स करने जा रहे हो जो कैनेडा के उसमें 12वीं पास बच्चा कर सकता जब जब ग्रेजुएट हो। तो वो कोर्स आप एक ग्रेजुएशन तो मैच कर रहा था, लेकिन आप तो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो, लेट से आप ऑलरेडी बैचलर्स ऑफ एनिमेशन हो या बैचलर्स ऑफ डिजाइन हो, और आप 2 साल का डिप्लोमा इन डिजाइनिंग करने जा रहे हो। तो कनाडा का वीजा ऑफिसर क्या क्या सोचेगा? देखिए, कॉलेज तो आपको ऑफर लेटर दे देगा, वीजा का सोचिए। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के नीचे जा रहे हो, ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है। पहला तो भाई अच्छा बच्चा अच्छा घर अगर आपने साबित कर दिया, या पहला अच्छा बच्चा, दूसरा अच्छा घर, तीसरा जो कोर्स की चॉइस है वो एलिजिबिलिटी देखिए कि अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो तो वो कोर्स बदल लीजिए जिसके लिए अंडर ग्रेड चाहिए। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट अंदर की बात, देखिए इस समय कनाडा के पास भरे पड़े हैं स्टूडेंट एप्लीकेशन, राइट। कनाडा भी, मैं फिर बोला, जब वो स्टूडेंट वीजा पे आपके बुला रहा है ना, वो आपको एहसान नहीं कर रहा, वो तो एक तरह से कस्टमर बुला रहा है कनाडा में, आइए मेरे देश में पढ़िए, मेरे देश में अपने इंडिया से फीस लेकर आइए, रहने खाने का खर्चा लेकर आइए, यहां खर्च कीजिए। वो बात अलग है कि हम पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। अब 2 साल वाले को वीजा मिलेगा कि 8 महीने वाले कोर्स को? अब फिर से देखिए, आप ओवरऑल देखेंगे तो कुछ 8 महीने साल वाले कोर्सेज वालों को भी वीजा मिला है, लेकिन अगर हमें कंपेयर करना है ना, बाकी सब चीजें सेम है। सो 2 साल का आपका कोर्स है तो वीजा 95%, 1 साल का कोर्स है तो 50%। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये सब ना पिछले 3 साल में चेंज हो गया है, 4 साल में, जब पूरा हिंदुस्तान और सारी डेवलप्ड नेशन कनाडा भाग रहा है। तो कोर्स की ड्यूरेशन हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। 1 साल या 8 महीने के कोर्स में वीजा मिलना मुश्किल होता जा रहा है। और पांचवा सबसे बड़ा फैक्टर है कि अब 90 दिन का तो है ही ना वेटिंग पीरियड। 90 दिन में तो वीजा का रिजल्ट आता है, उसके बाद, ये वैसे फोर्थ का भी हम एक पार्ट कर सकते हैं, उसके बाद 20 दिन लग जाते हैं वो पासपोर्ट पिकअप होने वापस आने में। अब कनाडा का वीजा वाला कह रहा है, जैसे जो इस समय सेप्टेम्बर इनटेक के बच्चे हैं, सेप्टेम्बर 22 के, आपने वीजा ही फाइल करा था जून में, जून जुलाई जून में फाइल किया, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त सेप्टेम्बर, तो आपका रिजल्ट आएगा। फिर आपको 20 दिन लगेंगे हाथ में पासपोर्ट आने में। तो वही जो खासकर जो 8 महीने वाले कोर्स के बच्चे हैं, वीजा ऑफिसर कहता है कि इसके पास तो बचे ही 6 महीने मेरे देश में आने के लिए, ये आके क्या करेगा, गायब भी होगा या इसकी इंटेंशन कुछ और है, तो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर 8 महीने का आप ट्राई कर भी रहे हैं ना, 8 महीने वाला कोर्स या साल वाला कोर्स, यू हैव टू मेक श्योर कि इनटेक से ना कम से कम 5-6 महीने पहले आपका वीजा फाइल हो चुका है। अगर वीजा फाइल 2-2.5-3, क्योंकि इस समय 90 से 100 दिन तो वीजा प्रोसेस टाइम है। तो ये चौथा फैक्टर बहुत जरूरी है कि जो आपकी वीजा
फाइलिंग का टाइम है और इंटेक स्टार्ट का डेट है वो कम से कम 4 से 5 महीने का गैप हो, समझे आप। तो अगर आप अपने आप को अच्छा बच्चा साबित कर सके, गुड एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, एवरीथिंग कवर्ड, अच्छा घर से आप हो, मतलब कि आपके पेरेंट्स या स्पॉन्सर्स का ITR, बैंक स्टेटमेंट, आपने GST वगैरह सब खुलवा दिए। नंबर 3 जो आपका कोर्स है वो आपके करियर में प्रोग्रेसिव हो, ग्रेजुएशन वाला बच्चा 12th वाले एलिजिबिलिटी कोर्स में मत जाए। नंबर 4 लॉन्गर ड्यूरेशन का कोर्स पकड़िए। ये 4 फैक्टर अगर आप कंसिडरेशन में रखेंगे तो आपका वीजा लगने का चांस ज्यादा है। और नंबर 5वां डेफिनेटली देखिए, कनाडा भी चाहता है कि हमारा स्प्रेड आउट हो, तो हर बच्चा क्या है टोरंटो 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 वैंकूवर करता है, तो अगर आप छोटे प्रोविंस में जाएंगे तो डेफिनेटली आपके वीजा के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये 5 फैक्टर को आप कंसिडर कीजिए जब आप अपनी वीजा की फाइल लगा रहे हैं, और उसके हिसाब से आपका वीजा रिजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।